प्यारे बच्चों, आज हम प्रत्यावर्ती धारा के दूसरे लेक्चर पे आए हैं। और लेक्चर में अगर आपने प्रत्यावर्ती धारा का पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कला समंजक और कला आरे। जब हम किसी परिपथ का एनालिसिस करते हैं, मतलब उसको उसमें परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच में संबंध देखते हैं, तो हमें यही लगता है कि वोल्टता और धारा क्या होंगी, समान कला में, समान आवृत्ति के लिए। तो समान आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए अगर हम V और I के बीच में संबंध देखते हैं तो हमें यही लगता है कि V और I समान कला में होंगे। लेकिन जब कुछ परिपथों का और अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं समान आवृत्ति के लिए वोल्टता V और I समान कला में नहीं है। किसी परिपथ में V I से आगे है, V I से आगे है, किसी परिपथ में I V से आगे है। मतलब V leads I और इसमें I V leads, इसे लिख सकते हैं I lag behind V, I V से पीछे, यहां V I से पीछे। तो अब कहीं पे I आगे चल रहा है V से, कहीं V I से आगे चल रहा है, या कोई एक पीछे एक आगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब जब हम उसका वक्रीय ग्राफ बनाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। अगर हम समान आवृत्ति की वोल्टता और धारा को एज अ रोटेटिंग वेक्टर, मतलब घूर्णीय सदिश के रूप में प्रदर्शित करें, तो हमारा जो जिस परिपथ को हम एनालिसिस कर रहे हैं वो आसान हो जाता है, सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो जब हम वोल्टता और धारा को एज अ रोटेटिंग वेक्टर प्रदर्शित करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? कला समंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? कला समंजक, फेजर्स कहते हैं। और किसी जब हम वोल्टता और धारा को किस में प्रदर्शित करें? रोटेटिंग वेक्टर के रूप में प्रदर्शित करें तो उनके बीच में कोण भी होगा। अगर किसी डायग्राम में हम वोल्टता और धारा को रोटेटिंग वेक्टर, मतलब कला समंजक के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं और उनके बीच जो कला कोण है उसको भी प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है? फेजर डायग्राम, कला आरेख कहलाती है। अब हम इसी के आधार पर, कला आरेख, कला समंजक के आधार पर कुछ परिपथों का अध्ययन करेंगे, विभिन्न प्रकार के। तो पहला हम अध्ययन करेंगे परिपथ में केवल प्रतिरोध R है, प्रतिरोध R है। हमारा एक परिपथ, इसमें प्रतिरोध R है, वोल्टता लगाई गई है, प्रत्यावर्ती वोल्टता है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T, ठीक। I धारा बह रही है तो धारा का मान क्या हो जाएगा इसमें? I इज इक्वल टू V अपॉन R, V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा T। कितना आ गया? V नॉट अपॉन R क्या हो जाएगा? I नॉट। इन दोनों को देखते हैं, V हमारे पास क्या है? V नॉट साइन ओमेगा T, और धारा क्या? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा T। इनके बीच में कोई कला कोण नहीं है। जब वोल्टता अधिकतम है तो धारा भी अधिकतम है, तो इसका मतलब V व I समान कला में है, समान कला में है। अगर मैं इनका वक्रीय ग्राफ खींचू तो कैसे आएगा? V व I, ये वोल्टता है आपकी, ये धारा है, ये वोल्टता और ये आपकी धारा, ये समय के साथ चल रहे हैं। और इसकी फेजर डायग्राम बनाऊं, कला समंजक डायग्राम, इस दिशा में आई है धारा है, इसी दिशा में वोल्टता है, प्रतिरोध की वोल्ट।
तो जब हम परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है तो वोल्टता और धारा क्या होते हैं, समानांतरा में। अब हम अपनी नेक्स्ट उसमें आते हैं, हमने प्रेरकत्व पढ़ा हुआ है, पिछले उसमें ही पढ़ा है कि प्रेरकत्व क्या होते हैं, हमने संधारित्र पढ़ रखा है। अब हम परिपथ में एक बार संधारित्र लेंगे, एक बार क्या लेंगे, प्रेरकत्व लेंगे। पर उससे पहले हम उसी में उसी के साथ समझते हुए चलेंगे कि हमारा प्रेरकत्व में क्या होता है। परिपथ में ले रहे हैं केवल प्रेरकत्व है, क्या है, केवल प्रेरकत्व है। तो सेकंड परिपथ में केवल प्रेरकत्व है, अब हमारे पास ये एक परिपथ है, इस पे वोल्टता लगाई गई है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I धारा बह रही है, अब इस परिपथ में केवल प्रेरकत्व है, प्रतिरोध नहीं है। अब जब प्रतिरोध नहीं है तो जब धारा बहेगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ता और बढ़ता है, मतलब लगातार बदलता है, उसमें लगातार बदलने के कारण इस कुंडलियों में से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये क्या होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, ये उत्पन्न होगा। क्योंकि इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है इसलिए कुल वोल्टता का मान क्या होगा, शून्य होगा, यहां कुल वोल्टता। तो वी नॉट साइन ओमेगा टी, ई का मान कितना है, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। वी नॉट साइन ओमेगा टी एल डी आई बाई डी टी, नेक्स्ट स्टेप में डी आई इज इक्वल टू एल वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, इसको धन्य है, इधर गुणा हो, समाकलन करने पर जब हम इसका समाकलन करेंगे, डी आई वी नॉट एल बाहर है हमारा, साइन ओमेगा टी डी टी। अब डी आई का समाकलन तो आई हो जाएगा, वी नॉट एल इसका समाकलन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अब आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे क्या, वी नॉट अपॉन एल है, सॉरी वी नॉट अपॉन एल, वी नॉट अपॉन एल, तो क्या होगा, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन एक्सएल, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। एक्सएल क्या है, यहां पे प्रेरण प्रतिघात इज इक्वल टू ओमेगा, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यह परिपथ में वही रोल अदा करता है जो प्रतिरोध रोल अदा करता है, मतलब जो प्रेरकत्व है वो परिपथ के मार्ग में रुकावट डालता है, उसको प्रेरण प्रतिघात कहते हैं।
अब आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ठीक साहब। और मैं का वी कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसका मतलब धारा वोल्टता से पाई बाय टू पीछे, दोनों वर्डिंग कर सकते हैं। यहां वी आई से पाई बाय टू अग्रगामी है, अग्रगामी है। जब फेजर वाली डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, यहां पे, यहां पे आई और यहां पे आ जाएगा वीएल, जो वीएल है धारा से कितने आगे, 90 डिग्री आगे। और जब वक्रीय ग्राफ बनाएंगे यहां पे वी व आई तो क्या होगा, वोल्टता तो हमेशा ऐसे ही जाएगी, धारा पीछे, धारा का ग्राफ ऐसे चलेगा। जब वोल्टता जीरो थी धारा ऋणात्मक थी, वोल्टता अधिकतम हुई धारा शून्य होगी, जब वोल्टता शून्य हुई तब धारा अधिकतम हुई, तो ये धारा के लिए है। तो इस परिपथ में कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, एक परिपथ में वोल्टता धारा से आगे होती है 90 डिग्री या पाई बाय टू अग्रगामी होती है, उसके लिए व्यंजक ज्ञात करो और उसे सिद्ध कीजिए। हमें पता होना चाहिए जब परिपथ में प्रेरकत्व होता है तो वोल्टता धारा से पाई बाय टू क्या होती है, अग्रगामी होती है। अब हमने प्रेरण प्रतिघात है हमारे पास ना, अब प्रेरण प्रतिघात को पहले हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। प्रेरण प्रतिघात में क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात वही काम करता है जो प्रतिरोध चालक के लिए करता है। प्रतिरोध क्या करता है, आवेश वाहकों के मार्ग में रुकावट डालता है, तो प्रेरकत्व भी क्या करता है, धारा के मार्ग मतलब आवेश वाहकों के मार्ग में क्या डालता है, रुकावट डालता है। तो उस रुकावट को क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात। इसके कुछ ग्राफ हैं, ठीक है, और एसी और डीसी में क्या इफेक्ट होता है उसको स्टडी करें। प्रेरण प्रतिघात किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्सएल से। एक्सएल का मान क्या होता है, ओमेगा है। ओमेगा का मान क्या होता है, 2 पाई एफ। अब हम इसके लिए ग्राफ खींचते हैं, एक्सएल है हमारा और ये एफ है आवृत्ति, तो ग्राफ एक सीधी रेखा में मिलता है और एल को नियत रखा है। दूसरा ग्राफ एक्सएल और L के बीच में खींचते हैं तब भी हमें एक सीधी रेखा मिलती है, ठीक। इसका मात्रक हम पहले ही बता चुके हैं, XL का मात्रक क्या है, ओम, ओम। अब इसका एक केस फॉर डिस्कस करते हैं, फॉर AC मतलब प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। एसी के लिए क्या होता है, एसी के लिए एफ का मान नियत होता है, नियत मान होता है। एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल इज इक्वल टू नियत मान, मतलब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रेरकत्व रुकावट डालता है क्योंकि धारा का मान लगातार बदल। केस सेकेंड फॉर डीसी, डीसी मतलब दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति का मान शून्य होता है। जब आवृत्ति का मान शून्य होता है एक्सएल क्या होता है, 2 पाई एफ एल, 2 पाई 0 इंटू एल इज इक्वल टू 0, तो एक्सएल का मान क्या होता है, 0। मतलब प्रेरकत्व अगर बैटरी से नियत धारा बह रही है, क्योंकि दिष्ट धारा का मान बदलता नहीं है, उसका मान नियत रहता है, तो जो प्रेरण प्रतिघात होता है वो शून्य होता है, वो धारा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं डालता। अब हम आते हैं तीसरा केस, जब परिपथ में केवल क्या हो हमारा,
जब परिपथ में केवल संधारित्र हो। संधारित्र क्या करता है? अपने अंदर आवेश को संचित करता है। किस चीज को संचित करता है? अपने अंदर आवेश को क्या करता है? संचित करता है। कितनी प्लेट्स होती है इसमें? दो प्लेट्स होती है। हम अधिकतर संधारित्र यूज करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र यूज करते हैं। थर्ड, जब परिपथ में केवल संधारित्र हमारे पास एक परिपथ है, उस परिपथ में केवल संधारित्र है, कोई प्रतिरोध नहीं, जिसकी धारिता कितनी है? सी। इसे प्रत्यावर्ती वोल्टता से जोड़ा गया है, प्रत्यावर्ती धारा जिसे कहते हैं, जोड़ा गया है। कितनी है प्रत्यावर्ती वोल्टता? वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा। अब प्रत्यावर्ती धारा है, इसका मान तो लगातार बदलना है। उस मान लगातार बदलने के कारण संधारित्र पे जो आवेश है संचित हो रहा है वो लगातार बदलेगा, लगातार बदलेगा। माना किसी समय पे आवेश क्यू है सी धारिता पे, तो जो क्यू बाय सी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? आरोपित विभवांतर। लगातार बदल रहा है ना, इसका परिणाम लगातार बदल रहा है। तो लगातार बदलने से क्या होने लग रहा है? प्रतिरोध है नहीं हमारे पास, तो जो क्यू बाय सी जो आपकी वोल्टता संधारित की प्लेटों के बीच में है वो आरोपित वोल्टता के बराबर हो। तो क्यू इज इक्वल टू वी का मान क्या होता है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। सी यहां ले देते हैं, सी वी नॉट, ठीक है। तो धारा का मान क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी टी। सी वी नॉट बाहर आ गया, डी बाई डी टी साइन ओमेगा। आई कितना हो गया? सी वी नॉट। साइन ओमेगा टी का मान होता है कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो आई का मान कितना हो गया? ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू वी नॉट वन अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टी। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। एक्सी क्या है यहां पे? धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात इज इक्वल टू वन बाय ओमेगा। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। यह वही रोल प्ले करता है संधारित्र जो प्रतिरोध रोल करता है। मतलब प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, तो संधारित्र भी प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में क्या करता है? रुकावट डालता है धारा के मार्ग पर, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई नॉट वी अपॉन आर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। और वी का मान कितना है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। इन दोनों समीकरण में देखें तो आई वी से पाई बाय टू आगे अग्रगामी, मतलब आई लीड्स वी, या वी आई से पाई बाय टू पश्चगामी है, जो मर्जी लिखो। यहां आई वी से पाई बाय टू अग्रगामी है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहां पे आई है तो वी सी नीचे रहेगा। वी सी क्या है? जो संधारित्र पे वोल्टता है वो पश्चगामी है, पीछे। अगर वक्रीय ग्राफ में आएंगे हम, तो वक्रीय ग्राफ में क्या होगा? ये आपकी वोल्टता है वी व आई, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है? ये धारा आ गया ऐसे ग्राफ में,
जब धारा अधिकतम थी वोल्टता क्या थी, शून्य। जब धारा शून्य हुई तब वोल्टता अधिकतम हुई। ये वोल्टता के लिए ग्राफ है, ये धारा के लिए ग्राफ। तो इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक परिपथ में धारा वोल्टता से 90 डिग्री आगे है या पाई बाई टू डिग्री अग्रगामी है, तो उसके लिए इसको प्रूव कीजिए, ड्राइव कीजिए, या उस परिपथ का एनालिसिस बताइए, उस वैद्युत परिपथ को बनाइए, तो उसका वक्रीय ग्राफ बनाइए। तो इस तरह से भी पूछ सकता है। और कई बार तो सीधा सीधा पूछा है, सिद्ध कीजिए संधारित्र में धारिता क्या होती है वोल्टता से पाई बाई टू कोण अग्रगामी होती है। अब हम किस चीज को स्टडी करेंगे यहां पे, हम स्टडी करेंगे यहां पे धारितीय प्रतिघात की। धारितीय प्रतिघात होता है, देखो हम बार बार कह रहे हैं प्रतिघात मतलब घात, घात का मतलब जो रुकावट डाल रहा है। कौन रुकावट डाल रहा है यहां पे, संधारित्र किसके मार्ग में, धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, प्रतिघात कर रहा है। तो इसे पर यहां संधारित कर रहा है, इसलिए से क्या करते हैं, तो हम किसको स्टडी करने जा रहे हैं, अब यहां पे हम करने जा रहे हैं धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात। ये धारितीय प्रतिघात होता क्या है, एक्सी, एक्सी का मान होता क्या है, एक बटा ओमेगा सी, एक बटा टू पाई एफ सी। अब ग्राफ देखो, ये एक्स सी और सी के बीच में ग्राफ है, ये ऐसे आएगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती में आ रहा है। इसी तरह एक्स सी और एफ के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ ऐसे है। लेकिन अगर हम ग्राफ एक्स सी और वन बटे सी के बीच में प्लॉट करेंगे तो सीधी रेखा मिलेगी, वन बाय एफ के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें सीधी रेखा। अब कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं इसमें। केस फर्स्ट, इसका मात्रक ओम ही होता है, मात्रक क्या है इसका, ओम फॉर एसी, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का मान, एफ का मान क्या होता है, नियत मान। नियत मान में एक्ससी क्या आती है, वन बटे टू पाई एफ सी, एक नियत मान आ जाता है भी, लेकिन कम होता है, रेसिप्रोकल में आ रहा है, कम होता है। तो इसका मतलब संधारित प्रत्यावर्ती धारा के मान में रुकावट तो डालता है पर बहुत ज्यादा नहीं। केस सेकंड फॉर डीसी, डीसी मतलब दिष्ट धारा। दिष्ट धारा में एफ का मान क्या होता है, शून्य, कोई साइकिल नहीं होता, एक ही साइकिल चलता है इसमें। तो एक्ससी का मान क्या है, वन अपॉन टू पाई एफ सी, वन अपॉन टू पाई जीरो इंटू सी, वही बटा जीरो, और इसका मान अनंत। इसका मतलब जो संधारित है वो डीसी मतलब दिष्ट धारा पे काम नहीं करता, वो धारा को सीज कर देता, रोक देता है। एक बार दिष्ट धारा बहेंगे, थोड़ी देर बहेगी, फिर जब संधारित पूरा चार्ज हो जाएगा तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, रोक देगा। तो जिस दिष्ट धारा में अगर कोई वैद्युत परिपथ बना हुआ है और दिष्ट धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं, बैटरी से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और एक भाग में बहुत सारे भाग हैं, एक भाग में हमने संधारित जोड़ रखा है, तो संधारित वाले भाग में कोई धारा नहीं बहेगी, इस चीज को ध्यान रखना। बेटे मैंने जो आपको आज बेसिक्स बताए हैं, ये आगे जो हम स्टडी करेंगे एलसीआर श्रेणी परिपथ, एलसी ऑसिलेशन, एलसी दोलन, उनको स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इनके बिना हम नहीं समझ पाएंगे। तो इनको, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, और मेरे अगर पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं, क्योंकि मैं तो लगातार वीडियो डाल रहा हूं और पूरे सिस्टमेटिकल वीडियो आपको उपलब्ध करा रहा हूं,
इकाई एक से अब इकाई चार पर हम पहुंच चुके हैं, हमने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। तो इसलिए बेटे अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक तो बनता ही है और शेयर उन स्टूडेंट को कीजिए, उन साथियों को कीजिए जो अभी भी जिनको समझ में नहीं आ रहा है और जो वीडियो सर्च कर रहे हैं उन्हें बताइए कि एक ऐसी केडी क्लासेस में भी है जो फिजिक्स के पूरे पूरे कंप्लीट चैप्टर दे रहे हैं। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।